तो अभी देखते हैं A4 साइज के ऊपर पोस्टर के ऊपर या कोई पोस्ट बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए, ठीक है ना। तो उसको अगर हम A4 साइज में बना रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और US पेपर स्टार्टेड बाय 300 पे रख के यहाँ पे बनाते हैं। अब उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो लिखना चाह रहे हैं किसी शेप के अंदर, ठीक है। मल्टीपल शेप्स को कैसे बनाते हैं, उनके अरेंज कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ रूलर में से लेके इसको इस तरह से इतने हिस्से को यहाँ रख लेते हैं। फिर यहाँ से रूलर लेके इसके फूटर के हिस्से को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें वो काम करना है जो भी दिखाना है। तो इसके अंदर हमें डेटा दिखाना है मल्टीपल किस्म का, कि जिसके अंदर हम शेप्स बना के। अब मल्टीपल शेप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब शेप कैसे हम बनाते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था। एक तो कस्टम शेप से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम शेप कोई बनाना चाह रहे हैं तो एक तो देखें दो तीन किस्म के शेप हैं। एक इस तरह का शेप हम बनाएं और उसमें जाके कलर भर देते हैं, ओके कर देते हैं और उसको यहाँ से क्लिक करके कलर देके यहाँ से स्ट्रोक पर डन कर देते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं, इसको इस तरह से खींच के बड़ा कर लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा। और इस पर यहाँ रख लेते हैं और इसको यहाँ रख के क्लिक करते हैं, यहाँ से जाते हैं एडिट में। एडिट में जाने के बाद ट्रेस ट्रांसफॉर्म पाथ पे क्लिक करते हैं। नहीं, ठीक है, वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास, ये रहा वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जाके इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये वार्प का ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर बने बनाए कुछ शेप्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे, जैसे कि हमें इस तरह का शेप का डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि हमें कुछ इस तरह का शेप का डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि हमें कुछ इस तरह का शेप का डिज़ाइन बनाना है। कैसा शेप हमें रिक्वायर्ड है वो डिज़ाइन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरह का शेप का डिज़ाइन है या फिर इस तरह का शेप का डिज़ाइन है, कैसा शेप का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह का भी शेप का डिज़ाइन बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा है तो ये डिज़ाइन बनाने आर्क में लोअर में। जैसे मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह का डिज़ाइन लूँ, और उसके बाद इसमें कुछ कमी बेशी करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और ये बन गया हमारे सामने एक डिज़ाइन। तो यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ बैंड के ऑप्शन आ रहे हैं, 50% बैंड हुआ हुआ, यहाँ 25% बैंड कर देंगे तो थोड़ा कम बैंड हो जाएगा इसका। ज़्यादा करना है अगर बैंड तो बढ़ा देंगे, 75% करते हैं तो इतना बैंड हो जाएगा। इतना नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि 15% का बैंड भी काफ़ी रहेगा, इतना भी सेट करता है ये, ठीक है। तो इसे शेप ही बनाना है हमने इसके ऊपर, और क्लिक करके ये बाकी तो सेट है। जैसे ही ओके करेंगे तो एक शेप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा शेप में जो सोच रहा था इस पर बनाने के लिए कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो इस तरह के कुछ एग्स एग्स टाइप का बना सकते हैं, एग नहीं होता अंडा, तो इस तरह की चीज़ बना सकते हैं और इस तरह के मल्टीपल शेप्स हम बना के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब शेप कोई भी बनाते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। इसको थोड़ा सा 3D करने के लिए हम इस शेप के ऊपर थोड़ा काम करेंगे, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन। अच्छा, उससे पहले हम ज़रा डिसाइड कर लेंगे हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा। तो बैकग्राउंड हमारा कैसा होगा उसको हम डिसाइड करने के लिए कि हमारे जो पोस्टर है उसके बैकग्राउंड कैसा होगा। अक्सर लोग पोस्टर के बैकग्राउंड पे एक अच्छा सा फोटो लगाते हैं, फिर उसको थोड़ा कवर कर देते हैं, थोड़ा धुंधला कर देते हैं, उस तरह से लगा रहे होते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं, मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाके क्लिक करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करके लेटेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे देखें बहुत सारे फोटो हैं। अब इसमें से मुझे कौन सा फोटो अपने उसके लिए लगाना है और उसको यूटिलाइज करना है। लेट्स सपोज ये वाला फोटो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड में लगाऊँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करता हूँ, अल्टर शिफ्ट करके इसको इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। अब बड़ा करने के बाद इसका कुछ एरिया तो इसमें फोकस हो गया और कुछ एरिया आउट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लगा देते हैं। तो क्या कि कुछ हमें दिखाना तो उतना खास है नहीं कि ये बैकग्राउंड इसके ऊपर लग गया। लगने के बाद ये इसके ऊपर ऐसा नजर आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हल्का करना है तो इसके ऊपर एक और शेप लगा देते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक शेप इसके ऊपर क्रिएट कर देते हैं और इस शेप ऐसा बन जाएगा इसके ऊपर। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। क्लिक करने का इस पर क्लिक करते हैं, इसमें क्लिक स्ट्रोक खत्म कर देते हैं, इस पर क्लिक करके कंट्रोल टी करते हैं, अल्टर शिफ्ट करके इसके शेप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसके मुताबिक हम इसको ले जाके यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, फिर क्लिक करके इसके ऊपर लाइट कलर करके ग्रे कलर डालते हैं, ओके करते हैं और इसके बाद इसकी जो फिल है उसको कम करके 40% पे ला के छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा हल्का भी पड़ जाएगा, और अगर 40 नहीं तो 50% कर दें तो पीछे वाला बैकग्राउंड हल्का हो जाएगा और आपका शेप ऊपर के आ जाएगा। अब इसके ऊपर अगर हमें ये लगाना है तो इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें करना ये है, शेप के साथ कंट्रोल एस करके सेव करते हैं पहले फाइल को, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं क्लिक करते हैं, इस फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके आपका जो फोल्डर है हॉरिजन के नाम का उसके अंदर जाके इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम सेव कर रहे हैं इसको क्लास 18 था 19 के नाम से, क्लास 19, और ये हो गया अनदर A4 पोस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लगा के सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे सेव करने के बाद अब इस शेप के साथ थोड़ा काम करेंगे। तो हमें ये तीन शेप एक साथ चाहिए, चार चाहिए, पहले डिसाइड कर लें। 1, 2, 3, 4 तो आ सकते हैं एक साथ, चलें 4 का हम एवरेज रखेंगे। जितना हम इसके अंदर टेक्स्ट डालना चाहते हैं उस हिसाब से डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। कलर को हम यहाँ जाएंगे इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर। तो यहाँ पे देखें एक ड्रॉप शेडो करके हम इस तरह का एक इफेक्ट लगा सकते हैं, दूसरा आउटर ग्लो करके हम इस पर इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे मैंने कल सिखाया था आपको कि इस तरह से लाइट्स निकल रही हैं। तो लाइट जरूरी नहीं है कि येलो कलर की निकले, आप ब्लू कलर की लाइट्स भी बैकग्राउंड से निकाल सकते हैं। क्लिक करेंगे इस पर और स्क्रीन मोड नॉर्मल करने के बाद ये ऐसा नजर आएगा। आप सवाल ही बताओ कि अंदर का कलर कैसा हो, क्लिक करेंगे इसके ऊपर
अंदर का कलर भी आप जरूरी नहीं कि सिंगल यूज करें, यहाँ क्लिक करके आप कलर ओवरले के बजाय यूज कर लें ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले में आप अपनी मर्जी के कलर्स बना सकते हैं, येलो के साथ कॉम्बिनेशन बना लें, ये भी टेक्स्ट कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी सही लग रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन देखें इस तरह का। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला कॉम्बिनेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उठ रहा है। अगर ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर आपको अपना और ग्रेडियंट बनाना तो यहाँ पे क्लिक करके आ जाए, यहाँ से क्लिक करके फिर आप अपनी मर्जी का कलर कॉम्बिनेशन निकालें। सपोज टू भी यहाँ येलो के साथ बना सकते हैं इसको, यहाँ पर आप इसको लाइट ग्रीन के साथ बना सकते हैं, गोल्डन कलर के साथ बना सकते हैं इसको, गोल्डन कलर ये इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो इफेक्ट हैं वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इम्पैक्ट कोई डाल दें, फिर इसके बाद लीनियर मोड में इसको डायमंड मोड में इस तरह से दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्टेड मोड में दिखा सकते हैं, कैसा दिखाना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अब ड्रॉप शेडो करेंगे तो पीछे इसके थोड़ा सा शेड आ जाएगा, क्लिक करके उस शेड को भी हम मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ से साइज को भी यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे ब्लू कलर का शेड निकल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ब्लू कलर का शेड हमें हेल्प नहीं करेगा। ड्रॉप शेडो लगा के इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से क्लिक करके अब ब्लू की जगह पे हम इसको व्हाइट कलर का शेड देंगे पीछे से, और इसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो ये देखें इस तरह से थोड़ा सा निकलता हुआ आ रहा है, थोड़ा हाईलाइट्स आ रही है इसके ऊपर। स्ट्रोक लगा देते हैं इसमें, अब स्ट्रोक लगाएंगे, इनसाइड नहीं लगाएंगे, आउटसाइड के बजाय इनसाइड स्ट्रोक लगा देते हैं, और इनसाइड स्ट्रोक लगा के इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद कलर मोड ब्लैक कलर में सही लग रहा है, या अगर आप ग्रेडियंट में स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे ग्रेडियंट में, फिर ग्रेडियंट में स्ट्रोक में डिफरेंट किस्म के आइडियाज हैं यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है, इस पर लगा दें और क्लिक करके एक शेप हमने इसके साथ बना लिया, और इसके साथ ये ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर दें, सेव करने के बाद ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले ऑप्शन के ऊपर, जिसपे हम इस पर टेक्स्ट के ऊपर हम काम करेंगे। तो हमने क्या करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया कर लेता हूँ, कंट्रोल टी, और यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा इस पेपर सही तरह नजर आने वाला है। और इसके साथ मैं इसको अल्टर के साथ आगे ले लेता हूँ एक, लेकिन फिर देखें इस तरीके से अगर मुझे चार लगाने हैं तो चार नहीं आ पाएंगे, तो मैं इसके साथ अल्टर के साथ एक और ले लेता हूँ आगे, ठीक है। तो फिर तीन का कॉम्बिनेशन सही बनेगा, कंट्रोल जीरो करके देखें तो इतना बड़े बड़े तीन का सही कॉम्बिनेशन बन रहा है। चार करने तो फिर इनको छोटा करने पड़ेंगे। तो ये मैंने अल्टर के साथ तीन अलग अलग बना लिए, अब ये बन तो गए, इनको मैं इसको यहाँ से करना ही वाला हूँ कि इसको डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो तीन का कॉम्बिनेशन सही रहेगा, एक हमने यहाँ पे रख लिया, तो ये जो एक बचा है इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट लिखा जाना है, अब टेक्स्ट हम इसके ऊपर कैसे लिख रहे हैं, जैसे हम इसमें लिख रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से लिखा हमने ऑफिस ऑटोमेशन। अब ये एक साथ नहीं लिखा जाएगा, दो वर्ड है, तो ऑफिस ऐसा लिखा जाएगा, ऑटोमेशन हम इसके नीचे इस तरह से लिख देंगे, कंट्रोल ई करके सेलेक्ट करेंगे। अब इसको पकड़ के लाएंगे इसके ऊपर तो ये तो बैठेगा ही नहीं इसके ऊपर, अगर मैं कंट्रोल टी करके इसके साथ इसको ऐसे बैठाने की कोशिश भी करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसके साथ भी हम वही सीन करेंगे जो हमने उसके साथ किया था, क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और इसको एडिट में जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म पर वाप टेक्स करेंगे। अब ये तो हो नहीं रहा, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे करना है कि इसको क्लिक करके पहले इसका सोच लेंगे इसका कलर वगैरह कौन सा रहेगा सही। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसका कलर और फॉन्ट वगैरह हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर ब्लैक सही रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या रेड सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, रेड वाला सही लग रहा है, ठीक है। तो रेड वाला ही सही लग रहा है तो उसको हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से क्लिक करके डार्क रेड पे ये वाला लग रहा था इसके ऊपर, ठीक है, ये सही, क्लिक करके ओके कर देंगे, इस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको हम जाएंगे यहाँ पे एडिट में, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब ये हो नहीं रहा, तो क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेक्स्ट को भी रैप कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको ओके करेंगे। सेम वाला रैप हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक वाला, और उसको कितने परसेंट किया था, 15% किया था, तो 15% इसको करेंगे और जैसे ओके करेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ही लगेगा जैसा कि उसके साथ था, ठीक है, सही लग रहा है। तो थोड़ा सा उसके अंदर भी इस तरह का लचक इसके साथ आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि अगर ये आपको लग रहा है ये फाइनल डिजाइन है या इसके अंदर कुछ और करने की जरूरत है, मतलब इसके ऊपर स्ट्रोक लगाने की जरूरत है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाएंगे, फिर स्ट्रोक लगाएंगे इसके ऊपर, किस तरह का स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर व्हाइट स्ट्रोक लगा के देखिए या इसके ऊपर रेड स्ट्रोक लगा के देखिए या फिर इसके ग्रीन ब्लू, कैसा स्ट्रोक अगर आपको लग रहा है कि इस पर स्ट्रोक लगाने की जरूरत है तो आप इस पर स्ट्रोक लगा लीजिए, अगर स्ट्रोक की जरूरत नहीं है तो स्ट्रोक रहने में, ऐसे मुझे लग रहा है ये सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर ड्रॉप शेडो लगाना है, तो ये इस तरह का नजर आएगा आउटर ग्लू, फिर पढ़ने में नहीं आएगा, ओके कर देते हैं, स्ट्रोक लगा के कंट्रोल टी करते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं इसके साथ ताकि थोड़ा सा लहराता हुआ
नजर आए। अब ये देखें खुद ही इसके साथ एडजस्ट हो गया ये, सही। अब इसको उठा के हम एक ग्रुप में डालेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे सपोज टू बी कॉम्प वन रख देते हैं, कॉम्पोनेंट वन, और इन दोनों को उठा के इसके अंदर डाल देते हैं इस तरीके से, और ये इसके अंदर आ गया, सही। अब तो आप समझ ही गए होंगे आगे। अब इसका कंट्रोल जे करेंगे, ऑल्टर के साथ आगे ले लेंगे, फिर कंट्रोल जे करेंगे और शिफ्ट के साथ और आगे ले लेंगे, फिर तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ स्पेस को मैनेज कर लेंगे बीच के, ठीक है, और कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इनके स्पेस को सेंटर में रख लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ये वाला सेंटर में। कोने में चला गया, सही है, स्पेस पर रखा लो, दोनों साइड से बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। अब ये हमने बनाए तीन कंपोनेंट और तीनों कंपोनेंट हमारे इस तरह से बन गए। अब हमें इस तरह से कितने बनाने, ईजी हो गया हमारे लिए काम। अब हम क्या करेंगे, इनका एक और कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे और उसका नाम रखेंगे रो वन, ठीक है, और रो वन के अंदर इन तीनों ग्रुप्स को ऐड करा देंगे, फिर उस रो को कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे और ये हमारी आ गई रो टू, ठीक है, इसका नाम रख लेंगे हम रो टू, कंट्रोल जे डुप्लीकेट करेंगे और इसका नाम रख लेंगे हम रो थ्री, ठीक है, जितनी बनानी है, और इस तरह से फिर इसका नाम रख लेंगे हम और फिर कंट्रोल जे करेंगे, सेव करेंगे, उसका नाम रखेंगे रो फोर, और यहाँ से इसको उठा के नीचे ले आएंगे शिफ्ट के साथ, सही है, समझ में आ गई बात। ये चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, चारों को स्पेस मैनेज करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, स्पेस मैनेज हो गया, ठीक है, तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपने जिसको भी ऐड करना है इनकी तरतीब वैसे रख लें, रो वन ऊपर जाएगा, रो टू उसके नीचे आएगा, रो टू उसके नीचे आएगा यहाँ पे, रो थ्री इसके नीचे आएगा, रो फोर आएगा। अब जिस जिसको एडिट करना है बट टेक्स्ट टूल लेंगे उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके जैसे लिखना है वेब डिजाइनिंग, तो यहाँ वेब लिख दिया ऊपर, एंटर, डिजाइन खुद ही मैनेज करता चला जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई किस तरह से हम शेफ्स बना के और उसके साथ ऑर्डर में रख सकते हैं, सबको इसको एडजस्ट कर लेंगे, खुद ही बन जाएगा इस तरह से, आपका कोई काम भी आपको बनाना है।